बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डेटा और इसमें हम फाइंड करेंगे मीन, मीडियन और मॉड। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि ग्रुप डेटा किसको कहा जाता है और अनग्रुप डेटा किसको कहा जाता है। डेटा अनग्रुप ही होता है। और ग्रुप डेटा कैसे बनता है, फर्ज करता हूं कि मेरे पास एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स की तादाद है 30, और जब उसमें मैं किसी को बताऊं कि मेरा नतीजा कितना आया, मेरी जो क्लास है उसका रिजल्ट कितना आया, तो मैं एवरेज निकाल के बता सकता हूं कि वो 40% है, वो 50% है, वो 60% है। मैं जब ओवरऑल बताऊंगा तो वो अनग्रुप डाटा होगा। लेकिन अगर मैं डेप्थ में चला जाऊं, मैं ये कहूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे 30 में से 10 स्टूडेंट्स ने 50 से 60% के दरमियान मार्क्स लिए, इसी तरह 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 70 से 80% के दरमियान मार्क्स लिए, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 80 से 90% के दरमियान मार्क्स लिए। जब मैं इस तरह की बात करूंगा, मैं थोड़ी गहराई में चला जाता हूं, और जब मैं इस तरह की बात करूंगा तो मैंने वो अपनी जो क्लास है 30 स्टूडेंट्स की, उसके मैंने ग्रुप बनाए, और ग्रुप बना के मैंने ये बता दिया कि फलां ग्रुप का की जो परसेंटेज है वो यहाँ है, फलां ग्रुप की इतनी है। जब मैं इस तरह की बात करूँगा तो वो ग्रुप बन जाएंगे और ये ग्रुप डाटा होगा। और जब ग्रुप डाटा में हम मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करेंगे तो इसका तरीका डिफरेंट है। और इसी तरह जब हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं तो उसमें भी जब ये चीज़ें फाइंड की जाती हैं तो उसका तरीका भी इससे डिफरेंट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुप डाटा में मीन, मीडियन और मॉड को कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम टेबल की तरफ आते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये दो कॉलम गिवन होंगे, कौन से, एक क्लास इंटरवल और दूसरा फ्रीक्वेंसी, ये चीजें गिवन होंगी, और बाकी वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये टेबल आपने ड्रा करना है। इसमें क्या है, अगर हम स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल लें तो ये क्या है कि ये दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 और 3 के दरमियान मार्क्स लिए, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 और 6 के दरमियान मार्क्स लिए, इसी तरह 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 16 और 18 के दरमियान मार्क्स लिए, 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसने 19 और 21 के दरमियान मार्क्स लिए। ये मैं स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। इसी तरह फर्ज करता हूँ स्टूडेंट्स नहीं, हमारे पास कोई और चीज़ है, इसको मैं किसी और चीज़ से कंपेयर करता हूँ, हमारे पास कोई इसी तरह कोई चीजें हैं, 23 चीजें हैं टोटल, और उनका जो वेट है वो हम फर्ज करते हैं किलोग्राम में लेते हैं। 2 चीजें ऐसी हैं जिनका वेट 1 से 3 किलोग्राम के दरमियान है, 3 चीजें ऐसी हैं जिनका वेट 4 से 6 किलोग्राम के दरमियान है। इसी तरह करते करते एक चीज ऐसी है जिसका वजन 19 से 21 किलोग्राम के बीच है। अब ये चीज़ें हमारे पास गिवन होंगी और हाँ, ये चीज़ें हमने निकाल ली हैं। और सवाल ये है कि हमने मिड पॉइंट क्यों फाइंड करना है, हमने एफएक्स क्यों फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों फाइंड करनी है, इसी तरह क्लास बाउंड्री हमने क्यों फाइंड करनी है। हमारे पास जो फार्मूलाज हैं मीन, मीडियन और मॉड के, वो मैंने यहाँ सबसे पहले लिख दिए। मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, यानी एफ फ्रीक्वेंसी है, एफ फ्रीक्वेंसी है मल्टीप्लाई बाई एक्स है। इसी तरह मीडियन का ये फार्मूला लिख दिया है, मॉड का मैंने ये फार्मूला लिख दिया है। अब सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है, तो देखिए मीन के लिए हमारे पास एफ एक्स भी हमें चाहिए, समेशन ऑफ एक्स भी चाहिए। समेशन ये जो साइन है, समेशन ये सम इसे कहा जाता है, सम का मतलब है ऐड करना, हम इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, इसका मतलब ये समेशन ऑफ एफ एक्स, और ये इस तरह समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी आएंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो मिड, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे हमने निकालना है, हाँ मैंने जो क्लास इंटरवल है ये 1 से 3 है, तो 1 में इसका मिड पॉइंट, जिस चीज का भी मिड पॉइंट निकालना हो तो उसको जमा करके 2 से डिवाइड करें तो मिड पॉइंट निकल आता है। 1 में 3 ऐड करेंगे, 1 प्लस 3 डिवाइड बाय हमेशा 2 करते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 से कट जाएगा, 2 जवाब आएगा, ये क्या होगा हमारे पास आ गया 2 मिड पॉइंट। इसी तरह 4 और 6 का मिड पॉइंट 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह हमारे पास है 7 प्लस 9
16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, करते करते 19 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 19 में जब 21 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2, 2 1 टाइम 2, 2 20 टाइम, ये 20 आ गया मेरे पास। अब ये हमने निकाल दिया मिड पॉइंट, क्योंकि हमें मिड पॉइंट ही चाहिए आगे जाके। इसी तरह ये एफ फ्रीक्वेंसी है और एक्स क्या है, एक्स हमारे पास ये एफ फ्रीक्वेंसी है, बात जो एक्स है ये वाला एक्स है मिड पॉइंट का एक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ हमने एक्स को मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, हमें यहाँ फॉर्मूले में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो एफ है एफ टू है और यहाँ ये जो एक्स है ये भी टू है, टू को टू से मल्टीप्लाई किया 4 आया। फिर इसी तरह नीचे जाएंगे, ये एफ है 3 और एक्स हमारे पास 5 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40, 4 को 11 से किया 44, 6 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 84, इसी तरह 1 को 20 से 20। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सबमिशन है, ये जब इनको हमने एफ एक्स का सम किया, ये तमाम चीज़ें जमा की, 4 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 84 प्लस 34 प्लस 20, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 241, यानी कि जो हमारे पास सबमिशन ऑफ एफ एक्स है वो आ गया हमारे पास 241, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब उसके बाद हमने क्रॉस बाउंड्री फाइंड करनी है। क्रॉस बाउंड्री क्या होती है कि जो हमारे पास ये इंटरवल है इसकी बाउंड्री क्या है। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, वो इसलिए कि अगर हम इनकी डेप्थ में चले जाएं तो ये एक घंटे से भी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, जो कि आपके लिए सुनना वाच करना मुश्किल होगा। आप सीधा इसको याद करें कि हमने जो क्रॉस बाउंड्री लेनी है वो क्या है, जो हमारा पहली बाउंड्री है लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 को लेस करना है और जो अपर बाउंड्री है उसमें 0.5 प्लस करना है। तो 1 में जब 0.5 माइनस होगा तो ये बचेगा हमारे पास 0.5 माइनस 3.5। इसी तरह 4 टू 6 है तो 4 में से जब 0.5 माइनस होगा तो ये 3.5 बचेगा और 6.5 में जब ऐड होगा तो 6.5 आ जाएगा। इसी तरह 7 से जब हम 0.5 लेस करेंगे तो 6.5, 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो 9.5, करते करते हम यहाँ तक आ गए आगे 18.5 to 21.5। इसके बाद आते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी है तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है 2 ऐसे ही रहेगी और ज़ाहिर है ये क्यूम्युलेटिव है तो इसमें ऐड करते जाएंगे, 2 में जब 3 ऐड हुआ तो हमारे पास जवाब आ गया 5, 2 प्लस 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 में क्या जब ऐड करेंगे, इस 5 में ये जो 5 आया उसमें 5 फिर ऐड करेंगे तो 10 आ गया, 5 प्लस 5 10। अब 10 आ गया, उस 10 में हम ये वाला 4 ऐड करेंगे तो 10 प्लस 4 14, फिर 14 आ गया, 14 में ये 6 ऐड करेंगे, 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। अब 20 में 2 ऐड करेंगे, 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22, फिर इसी तरह 22 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 23। ये आ गई हमारे पास क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो करनी है मीन। मीन को हम कैसे फाइंड करते हैं, मीन का फॉर्मूला ये है, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास फार्मूला है मीन का, एम ई ए एन, मीन इज इक्वल टू हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास ये है तो इसका जब हमने सम किया, इन सब चीज़ों को ऐड की किया तो हमारे पास यानी कि समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 241। तो हम लिखेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स की जगह 241 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ। तो एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी का जब हमने सम किया वो आया 23, समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई, नीचे इसकी जगह हम लिखेंगे 23। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 10.478। ये हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू मीन। मीन एक चीज हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हमने देखना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। ये चीज हमने फाइंड करनी है, हमने एल भी फाइंड करना है, एच भी फाइंड करना है, एफ, ये तमाम चीजें देखनी है। लेकिन इससे पहले हमने देखना है कि मीडियन की क्लास कौन सी है, मीडियन की क्लास है या कौन सी क्लास है
जिससे हम मीडियन फाइंड करेंगे, मीडियन यानी कि मिड, वो मिड में कौन सी क्लास आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे मीडियन क्लास इज इक्वल टू एन ओवर टू एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस, अब एंड ओवर टू ऑब्जर्वेशन है तो हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी चीजें हैं जिनको हमने ऑब्जर्व किया, 23 हैं टोटल। तो 23, दिस इंप्लाइज दैट 23 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। अब 23 को 2 पे डिवाइड करो तो ये जवाब आता है 11.5। इसका मतलब है कि 11.5 मीडियन क्लास कौन सी है हमारी, 11.5 ये कहां आ रही है। हमने देखना है क्लास इंटरवल में कि हमारे पास 11 कहां आ रहा है, कौन से इंटरवल में आ रहा है, 10 टू 12 इसमें आ रहा है 11.5, क्योंकि 13 में तो नहीं आ सकता, 16 टू 18 में नहीं आ सकता, 4 टू 6 में नहीं आ सकता, 10 और 12 के बीच ये लाई कर रहा है 11.5। इसका मतलब है हमारी क्लास कौन सी है, हमारी क्लास है ये वाली। इस क्लास से हम मीडियन को फाइंड करेंगे, यहां से हम ये तमाम चीजें फाइंड करेंगे, एल एच एफ एन, ये तमाम चीजें सी यहां से फाइंड करेंगे। अच्छा, अब हमने ये तमाम चीजें फाइंड करनी है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, ये एक्स बार इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। हमें एल भी चाहिए, तो यहां हमारे पास हेयर एल इज इक्वल टू क्या आएगा, 9.5, क्यों, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल था उसकी जो लोअर बाउंड्री है 10 टू, इसकी है 9.5, इसकी लोअर बाउंड्री है एल 9.5। इसी तरह हमारे पास एच आ गया इज इक्वल टू 3। एच क्या है, एच हाइट है। देखिए 1 में 3 ऐड करें, 4 4 में 3 ऐड करें, 7 7 में 3 ऐड करें, 10 जी, इसकी तमाम जो बाउंड्री है लोअर बाउंड्री जो इसकी हाइट है वो क्या है, वो 3 है, एच यानी कि 3 आ गया। इसी तरह हमारे पास और सी क्या आ गया, हमारे पास एफ आ गया, एफ इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। इसी तरह हमारे पास सी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गई क्या, 10। 10 कैसे आ गई कि हम जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो एक क्लास पीछे लेते हैं। हमारे पास ये वाली क्लास थी तो हमने इसकी जो पीछे वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी थी वो 10, वो हमने यहाँ ले ली। अब ये तमाम चीजें हम कहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू, हम एल की जगह क्या लिखेंगे, 9.5, इसी तरह प्लस एच की जगह 3 डिवाइडेड बाई एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू एन की जगह हम लिखेंगे 23 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी की जगह हम लिखेंगे 10। इसको हम सॉल्व करेंगे मजीद। अब इसको हमने सॉल्व किया, दिस इंप्लाइज दैट 9.5 प्लस 3.4 इंटू, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आएगा 23 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 20। दिस इंप्लाइज दैट 9.5 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 43 डिवाइड बाई 2। इसको मजीद ये सॉल्व लेंथी हो जाएगा, मैं इसका शॉर्ट आंसर लिख देता हूँ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.625। यानी कि हमारे पास है जो मीडियन आया, मीडियन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 10.625, ये आ गया क्या हमारे पास मीडियन। हमने मीन भी फाइंड कर लिया 10.478 और मीडियन भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने निकालना है मॉड। मॉड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। हमें ये चीजें चाहिए, एफ एम भी चाहिए, एफ वन एफ टू भी चाहिए, ये चीजें हम कहां से फाइंड करेंगे। मॉड का आपको पता है कि अनग्रुप डाटा में जब जो नंबर बार बार अक्र हो, यानी कि सबसे ज्यादा जो रीअक्र होने वाला नंबर है उसी को हम उसको हम मॉड कहते हैं। और यहां भी ऐसे ही होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो क्लास इंटरवल वही होगा जो हमारे पास है
क्लास मॉड की क्लास होगी वो यही होगी। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ कहाँ कौन सी है, सिक्स है, इसका मतलब है यही वाली लाइन है हमारे पास। तो इसमें हम मॉड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो किसकी, वो कहाँ पे है, वो इस इंटरवल में है। अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ इस इंटरवल में, इस क्लास में हमने एफ वन एफ टू एफ एम ये चीज़ें फाइंड करनी है। अब मॉड हम फाइंड कर रहे हैं, मॉड हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो एफ एम होगा, हमारे पास जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है, एफ एम किसको कहा जाता है, मॉडल फ्रीक्वेंसी, वो क्या है हमारे पास, सिक्स। इसी तरह हमारे पास है जो उसके बाद है, हमें क्या चाहिए, एफ वन चाहिए। एफ वन क्या है, मॉडल फ्रीक्वेंसी से एक पीछे वाली क्लास, वो कौन सी है, वो है हमारे पास है पीछे वाली फोर है। तो इसका मतलब है हमारे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी एफ वन फोर आ गई। इसी तरह हम एफ टू भी फाइंड करेंगे, एफ वन आ गया हमारे पास, एफ वन इज इक्वल टू फोर, एंड एफ टू क्या होगा, एफ टू मॉडल क्लास से एक क्लास आगे। तो मॉडल क्लास सिक्स है, ये वाली लाइन थी हमारे पास क्लास थी, इससे आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी आ रही है, वो आ रही है टू। इसका मतलब है एफ वन फोर आ गया, एफ टू टू आ गया, और एफ एम क्या आ गया हमारे पास, सिक्स आ गया। अब इन चीजों को हमने कहाँ पुट करना है, हमें मॉड के फॉर्मूले में पुट करना है। अब एल हमारे पास क्या है, एल इसकी जो लोअर बाउंड्री है वो क्या है, वो 12.5 है। यहाँ हमारे पास एल इज इक्वल टू 12.5। इसी तरह एच जो है वो सेम है, वो 3 है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, मॉड इज इक्वल टू, हम एल की जगह लिखेंगे 12.5। इसी तरह उसके बाद क्या है, प्लस एफ एम क्या है हमारे पास, 6। फिर हमारे पास एफ माइनस एफ वन है हमारे पास 4। उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, 2m, यानी 2 इंटू एम, एफ एम क्या है हमारे पास, इंटू 6 माइनस, उसके बाद एफ वन है, एफ वन हमारे पास आ गया 4 माइनस एफ टू है, वो हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 है। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस सिंपलाइज दैट 12.5 प्लस 6 माइनस 4, ये आ गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 2 इंटू 6 12 माइनस माइनस 4 माइनस 2, ये आ गया हमारे पास माइनस 6 इंटू 3। दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया हमारे पास 12.5 प्लस 2 इंटू 12 माइनस 6 6 इंटू 3 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2। दिस इंप्लाइज दैट 12.5 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट 12.5 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.1। दिस इंप्लाइज दैट, बल्कि 13.1 आ गया हमारे पास, तो यही हमारा मॉड है, मॉड इज इक्वल टू 13.1। अब हमने तीनों चीजें फाइंड कर ली, हमने मीडियन भी फाइंड कर लिया, मॉड भी फाइंड कर लिया, उसके बाद मीन भी फाइंड कर लिया ग्रुप डेटा में। ये ग्रुप डेटा की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।